वक्त खड़ा हूँ श्रीनगर में और आप सबको बताना चाहता हूँ कि केसर की मेन पहचान क्या है। ये यहाँ के एक्सपर्ट है और होलसेलर है, बेस्ट केसर इनका होता है। आओ मैं बताऊँ। आप क्या बता रहे थे, केसर की मेन पहचान क्या होती है? सर ये है केसर का असली फूल, अगर आप देख सकते हैं। समझ गया। तो इसमें होते हैं टोटल 6 पेटल्स, हाँ, 3 येलो 3 रेड, हाँ। बट जो सर येलो पार्ट होता है वो होता है वेस्टेज, उसको हम छोड़ते हैं, हाँ। जो असली केसर होता है वो होता है रेड पार्ट। ठीक है, तो अब इसमें मुझे दिखाओ केसर की पहचान कैसे करनी है। क्योंकि सर कहीं कुछ लोग घास के ऊपर भी कलर चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग ग्रास के ऊपर कलर चढ़ा देते हैं, अब ये बताएंगे प्लास्टिक के ऊपर भी कलर चढ़ाते हैं। ओके, ठीक है सर। इसके अंदर कितने का केसर होगा वैसे बताओ? लगभग सर 5 लाख का। 5 लाख रुपए का केसर, ये देखो सर। हाँ ये देखो, और अब ये पहचान बताएंगे इसकी कैसे होती है पहचान। हाँ बताइए। इसकी जो पहली पहचान होती है सर वो होती है इसकी स्मेल से। पहले आप इसकी स्मेल लीजिए। हाँ। इसकी स्मेल जो होती है ये होती है एरोमेटिक, मतलब ये किसी परफ्यूम से मैच नहीं होगा। समझ गया। आप दुनिया का कोई भी परफ्यूम ले आओ मगर इससे मैच नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। और दूसरी पहचान, इसमें जो हर एक पेटल होना चाहिए सर वो एक तरफ से मोटा होना चाहिए, दूसरे से पतला होना चाहिए। लाइक स्नेक शेप। ये ठीक है सर। हाँ। एक तरफ से मोटा दूसरे से पतला। और तीसरी बात, अगर हम इसको किसी भी लिक्विड में डालेंगे, अगर हम इसको मतलब मुंह में डाले, आप 2-3 पेटल्स लीजिए। हाँ, मुंह में डाला मैंने। हाँ। तो इसका जो कलर वो येलो छोड़ना चाहिए, ठीक है, पर केसर का कलर जो है वो रेडी रहना चाहिए, केसर का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर कलर येलो छोड़ना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसको किसी भी लिक्विड में डालेंगे, चाहे पानी लीजिए या दूध लीजिए, ठीक है, वहां पर भी एक कलर येलो छोड़ना चाहिए, पर वहां पर ये समटाइम फ्लोट करना चाहिए पानी के ऊपर, मतलब तैरना चाहिए, मतलब हमेशा ये पानी पे फ्लोट होना चाहिए। चलो थैंक यू। ठीक है, अगर डिजॉल्व हो गया मतलब डिप हो गया, समझे वो केमिकलाइज है, वो डुप्लीकेट है। ठीक है सर, इसके बाद जो केसर होता है इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, मगर 3 चीजें बचाना है, फ्रिज में नहीं रखना है। केसर फ्रिज में नहीं रखना है, गीले हाथ से टच नहीं करना, गीले हाथ से टच नहीं करना। इसके बाद अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट हो वहां पर नहीं रखना है। जैसे सर हम लोग यहाँ सुखाते हैं, हम सुखाते हैं एक कमरे में इसको, ताकि इसको जो धूप है वो नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बाकी जो केसर का मेडिसिनल वैल्यू होता है ज्यादा वो होता है दूध और पानी में। ओके, एक इंसान के लिए 1 डे होता है 8 or 10 पेटल्स। ओके सर, तो अब केसर की पहचान आप लोग समझ गए, तो उसी हिसाब से केसर खरीदना। ठीक है, केसर लाल होता है लेकिन मुंह में जब चुभाओगे तो येलो हो जाता है पूरा। सर एक बार दिखाइए। हाँ चलो, ये मैंने केसर लिया इस हाथ पे। हाँ हो रहा, देखो। हाँ सर हो गया। नहीं आपने वो स्वेलिंग किया ना, स्वेलिंग नहीं करना है सर। अच्छा, आप अच्छा। मुंह में रख लीजिए, च्यू करो फिर मुंह में रख लीजिए। हाँ हाँ सर हो गया। तो ये है ओरिजिनल केसर, समझ गए। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मनमीत सिंह।